के गहने ले जाते हैं, बेच जाते हैं, क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? शराब होना चाहिए, मेरे तरफ से। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लाभ हो रहा है, जहाँ वो ठीक थे वो ठीक थे बट यहाँ गलत है। इससे लेकर आपको लग रहा है कि सरकार पे असर पड़ेगी नेक्स्ट बार? नहीं पड़ेगी, अगर ऐसी बात होगी तो 100% पड़ेगी। अच्छा, पड़ेगी। अगर शराब बंद कर दे तो आप लोग उसे समर्थन करेंगे? करेंगे, बिल्कुल, पहले भी करेंगे, आज भी करेंगे। बिहार में सरकार बनी है, शराब बंद है, वो जो सरकार बनी है वो सरकार हम जैसे इंसानों से बनी है, गरीब से ही बनी है, अमीर से नहीं बनी है। हमें कभी नहीं चाहेगा कि केजरीवाल ऐसे बढ़े, आम पब्लिक, आम जनता कभी नहीं बढ़ना चाहेगी। वो है अपना भाजपा, वो नहीं बढ़ने देगी, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देगी। उसकी तरफ से तो बिल्कुल, मरते हो तो मर जाओ, आज नहीं कल नहीं मर जाओ, उनकी तरफ से ही है। लेकिन आम बंदे ये जो समझदार है वो चल रहे हैं कि नहीं, वो आप आपने जो भी है बट मैं यही कहना चाहती हूँ 100% बंद होना चाहिए नशा। आज आधी जो पब्लिक जेल में पड़ी हुई है ना, आप पता करना नशे के वजह से किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप कर दिया, किस वजह से? सिर्फ नशे का धूप, नशे का आदि, इसलिए वो जेल आगे से जाना तो पड़ रही है, वो नशे के कारण बढ़ी। केजरीवाल जी शराब बंद करते हैं तो सपोर्ट करेंगे? करेंगे, अगर उन्होंने नहीं बंद की और उसी को सपोर्ट किया तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। आज मैं आ गया हूँ दिल्ली सदर बाजार, ये देखिए दिल्ली सदर बाजार के मेन रोड है। अभी मैं फूल मिठाई चौक पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे बिहार में जिस प्रकार शराब पूरी तरीके से बंद है उसी प्रकार दिल्ली में भी अगर शराब बंद हो जाए तो क्या असर पड़ेंगे। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव है। आपका घर कहाँ है सर? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला, बिहार से आप? नहीं, ओके। जिस बिहार में शराब बंद है या नहीं? बिहार में शराब कहाँ बंद है? सरकार के अनुसार बिहार में शराब बंद है सर, घर घर बंद रहा है, दिल्ली जंगल में पीरा बैठे खेतों में। बिहार में शराब बंद है जी? बंद है, बंद है। आप कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला। खगड़िया, आप सर? घर में बना रहा है। आप लोग सारे खगड़िया जिला से? ओके, सारे बिहार में रहने वाले लोगों पहले यूपी बंद करो बता रहे हैं। मैंने पूछा था तो वो लोग भी बताए कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी वहाँ पे शराब खुलेआम बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है, ऑफलाइन बंद है। बंद करो, शराब बंद होना चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। दिल्ली में शराब बंद हो जाना हो जाना चाहिए। शराब, अच्छा, शराब अगर बंद हो जाए तो बहुत सारे लोग नाखुश हो जाएंगे। हाँ, खुश हो जाएगा, बंद होना चाहिए। हाँ हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तुम भी बोलो। हम बंद होना चाहिए हर जिले में। अच्छा, तो आप या आप लोग, हम लोग अगर शराब ना पिए तो टिकेगा ही नहीं? अगर बंद होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप कहाँ से? ओके, दिल्ली में भी शराब बंद हो जाना चाहिए, बंद करवाइए। अच्छा, बिहार में तो शराब बंद है जी? बिहार में शराब बंद है कि नहीं? बिहार में तो बंद है, फिर भी बिक रहा है। दिल्ली पुलिस वाला रुपया नहीं है, उनका ठेका खुल रहा है दिल्ली में, और बहुत सारे लोग इसके लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। यहाँ से कॉलोनी है, उसके अंदर भी बहुत घुसने की तैयारी कर रहा है सर। आज हम जैसे कॉलोनी वहाँ खोलने की तैयारी चल रही है, हमारा ओपनिंग करिए, मगर हमारा हो नहीं है। शराब अगर बंद हो जाए तो सरकार पर भी जरूर पड़ेगा सर। उन्हें खाना पीना बंद हो जाएगा, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल कहते हैं शराब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, देश को लाभ हो रहा है, कहीं ना कहीं जी लाभ हो रहा है। स्कूल में सब शराब अभी दिख रही है, उसके नाम वहाँ से लाभ हो गया है। आपका क्या कहना है सर शराब के लेकर, बताएं?
अरे बोलो भंगा, बोलो बोलो आप बोलो सर, क्यों ना शराब आप पीते हैं इसका मतलब शराब शराब का समर्थन कर रहे हो आप? भाई अगर सपोर्ट कर रहे हैं आप? चलो पीछे शराब पी के छीन छपट करता है ज्यादा शराब से बैन हो जाए बिल्कुल तो देश तरक्की करेगा 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 करेगा। शराब पी के पत्नी को मारना ये अच्छा काम होता है? ये सब गंदा काम बंद होना चाहिए। ठीक है, पड़ जाते हैं ठंड में मर जाते हैं। ठंड का मौसम है जिसके लेकर शराब वैसे भी नशा में उसको अंदर गर्मी देते रहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उसको पता लग जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। उसके बाद अब क्या हो जाते हैं उसके बाद आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद पार्टी पार्टी वाला आते हैं ले जाते हैं। शराब क्यों नहीं बंद होना चाहिए? सारे सारे घर को बर्बाद कर रहे हैं शराब ने। देखिए सारे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं शराब के लेकर, क्योंकि शराब के लेकर सबसे ज्यादा जेल में कैदी है। और अभी ठंडी का मौसम है, शराब पीने के बाद इसे गर्म शराब पीने के बाद उसे गर्म महसूस होने लगता है, उसके बाद ठंडी का मौसम है और इसके बाद उनकी मौत भी हो सकती है। वो सरकार हम जैसे इंसानों से बनी है, गरीब से ही बनी है, अमीर से नहीं बनी है। हमें कभी नहीं चाहेगा कि केजरीवाल आगे बढ़े। आम पब्लिक, आम जनता कभी नहीं बढ़ना चाहेगी। वो है ना अपना भाजपा, वो नहीं बढ़ने देगी, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देगी। उसकी तरफ से तो बिल्कुल मरते हो तो मर जाओ, आज नहीं कल नहीं मर जाओ, उनकी तरफ से ही है। लेकिन आम बंदे ये जो समझदार है वो चल रहे हैं कि नहीं, वो आप आपने जो भी है उसकी वजह से उठा रहे हो, मुझे नहीं पता। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि 100% बंद होना चाहिए नशा। आज आधी जो पब्लिक जेल में पड़ी हुई है ना, आप पता करना नशे के वजह से किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप कर दिया, किस वजह से? सिर्फ नशे का धूप, नशे का आदि, इसलिए वो जेल आगे की जगह तो बढ़ रही है, वो नशे के कारण बढ़ रही है। केजरीवाल जी शराब बंद करते हैं, सपोर्ट करेंगे? करेंगे। अगर उन्होंने नहीं बंद की और उसी को सपोर्ट किया तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए सारे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं शराब के लेकर, क्योंकि शराब के लेकर सबसे ज्यादा जेल में कैदी है। और अभी ठंडी का मौसम है, शराब पीने के बाद उसे गर्म शराब पीने के बाद उसे गर्म महसूस होने लगता है, उसके बाद ठंडी का मौसम है और इसके बाद उनकी मौत भी हो सकती है। और वैसे आप देख सकते हैं जो शराबी होते हैं वो कब अपने पैंट में एक पैखाना कर लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं, है कि नहीं? चलिए और भी लोगों से मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक सामान देख रहे हैं, क्या नाम है सर? आप कहाँ से हैं? बेगूसराय। बिहार में से है सर? मैं भी बिहार से हूँ। एक बात बताएं, जिस प्रकार बिहार में शराब बंद है, कुछ असर पड़ा है गांव में रहने वाले लोगों को? घर पड़ा घर दुनिया भर के आ रही है, गरीब आदमी बर्बाद हो रहे हैं। ओके, इनका मानना है कि गरीब के हित में कुछ कार्य करना है, उसके लेकर शराब पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी चल रही है बिहार में अभी भी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जिसे कि पूरी तरीके से लॉक किया जाए। बहुत सारे लोगों शराब के लेकर उनकी हत्या हो रही है, मौत हो रही है, बहुत सारे लोग शराब, ये ठंडी का मौसम है इसमें सबसे ज्यादा मौत होगी शराब के लिए। सर आप क्या समर्थन कर रहे हैं सरकार को, शराब बंद होना चाहिए या नहीं? सर
सारे लोगों को शराब शराब नहीं पीना चाहिए, वो भी है। अगर शराब दिल्ली में बंद कर दिया जाए तो सरकार को नौकरियां निकालनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पुलिस की कमी है दिल्ली में, जितने भी पुलिस है सबसे ज्यादा चौक चौराहे पर डिप्टी में लगे रहते हैं। इसके लेकर भी वो अभी सोच में पड़ रहे हैं कि शराब के लेकर बहुत सारे आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली में, इसीलिए क्योंकि सरकार को रेवेन्यू बता रहे हैं कि इससे शराब से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अच्छा एक भाई की बात करते हैं, अभी शराब बिहार में बंद है या नहीं? बिहार से है भाई, ताली चलती है। बिहार में शराब बंद है? बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है। ओके, ये देखिए मतलब यहाँ दिल्ली के भी लोग जो रहते हैं दिल्ली में वो भी बता रहे हैं कि बिहार में शराब पूरी तरीका से बंद है, लेकिन फिर भी शराब बिक रही है। बात किया शराब बंद होना चाहिए, हो गया तो क्या हो गया आपको? दिल्ली में शराब बंद होना चाहिए या नहीं? ये आपको दिक्कत है? दिक्कत होगा इसका मतलब शराब पी है सर? आप शराब पिए क्या ना पियो, आपको क्यों दिक्कत है? मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? सारे लोग की मेरे घर में से गहना एक पिक्चर बता रही थी कि मेरे गहने वगैरह ले जाकर तो है गहने वगैरह ज्वेलरी वगैरह ले जाकर बेच लेता है शराब के चक्कर में। आप इसको क्या बोल रहे हैं? जी एक नयुवक भाई है, क्या नाम है सर आप? कहाँ से है? हाँ जी नहीं बोलूंगा। दिल्ली में कहाँ से? करोल। ओके, शराब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बोल सकते हैं नशीली पदार्थ के सेवन करने से अपराधियों की संख्या बढ़ा है या घटा है? बहुत बढ़िया। कोई पढ़ाई लिखाई में नहीं आ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है नशे के लेकर। देखिए एक नयुवक भाई का भी संदेश रहा कि शराब बंद हो जाना चाहिए। मेरा राय है कि शराब बंद हो या न हो इससे मुझे कुछ नहीं लेना, लोगों की राय से सरकार बनती है और लोगों की राय से शराब भी बंद हो सकती है। मैं हूं विनोद शुक्ला और आप देख रहे हैं द मार्केट दिल्ली। मैं हूं अभी दिल्ली सदर बाजार मेन रोड पुल मिठाई पुल और कुतुब रोड में। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखें। और अपने लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखें। देखिए कितने भीड़ लगा हुआ है। चैनल बता देना।